ये हम जिस जगह पर मौजूद हैं फिरोज़ाबाद के एक गरीब इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर ये लड़की हैं। इनकी शादी आज से एक साल भी पूरी नहीं हुई है, तब हुई थी। और जो अभी इस हालत में है, इनके गले पर जो निशान दिख रहा है वो इनके पति ने छुरी मारी है और इनको जान से मारने की कोशिश की है, इनके गले में फांसी का फंदा लगाया। और इनकी माँ है जो यहाँ पर खड़ी हुई है, इन्होंने शादी की थी ये सोचकर कि इनकी लड़की हमेशा खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद लड़का दहेज की मांग करने लगता है, पैसे मांगने लगता है। और इस टाइम पर जो लॉकडाउन चल रहा है, हर किसी के परिवार में खाने पीने तक के लाले हैं, लेकिन इनसे पैसों की मांग करी जा रही है और इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और इन्होंने कितने पैसे दे दिए और लड़का किस तरीके से जुल्म कर रहा है, हम इनसे खुद जानेंगे और पूछेंगे। 11 महीना कभी अच्छा नहीं लगा, मैंने पढ़ाया है, उनने कभी अच्छा लगा ही नहीं। उसने आज आपकी बेटी के साथ क्या किया है? आज तो पहले तकिया धरा मुँह पे, फिर कुछ बचा वाले ने बचाया हुआ है, फिर बाद में फांसी का पिंदा लगाया, जब फांसी का पिंदा बचा दिया तब छुरी मारी, निशान है बहुत लंबा गले पे। और पहले इसी बार 2-3 दफे तक कर चुका, छुरी 2-3 दफे मार चुका, जगह था धमकी देता मैं फाड़ दूंगा तुझे, तेरा कौन है? इस साइड में छुरी मारी है। मैं गरीब है, मेरा कोई से तरैया नहीं है, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं है। कितने पैसों की डिमांड करी है आपसे, आपकी बीच क्या, जो आपके पति ने आपको मारा है किस वजह से मारा है? सास की वजह से मारा है, पति को ली थी, पति को ली थी, तो मैंने की किवाड़ लगवाऊंगी, घर में किवाड़ नहीं है, तो कहते नहीं पैसे मुझे दे दो, दुनिया भर की गाली वगैरह। मैंने गाली मत दो कि तेरी अम्मा ऐसी है, तेरे पापा ऐसे हैं, पैसे ले गया वहाँ से, मैं कहाँ से लाऊँ, रख के आए गए थे, सो गाली वाली वगैरह थे, फिर अपने लौंडे से पिटवाया है। अच्छा, तो वैसे भी पैसे मांगते हैं तो जान? हाँ, वैसे भी मांगते हैं। फांसी वगैरह कुछ लगाई? हाँ लगाई थी, पहले रुपट्टा फंसाया, रुपट्टा खून का निशान कैसे है? रुपट्टा फंसाया तो रुपट्टा, जब मैंने रुपट्टा छीन पाया तो उन्होंने कहा ना छुरी चलाने की कोशिश करी है, फिर वहाँ से भागी आप जान? अब फिर भागे वहाँ से, फिर तकिया मुँह पे रखने नहीं भाग पाई तो मुँह में तकिया रखा, तब जो मोहल्ले लड़के आए उन्होंने बचाया। तो देख सकते हैं जान से मारने की कोशिश की है ये लड़की के पिता हैं, और ये बताएंगे क्या मामला है, क्या डिमांड रखी जा रही है, क्या लड़का मांग रहा है, क्या लड़का क्या मांग कर रहा है? पहले लड़का 10,000 मांग रहा है, इधर देख के 10,000 रुपए मांग रहा है, पहले ही मांग चुका। कौन कौन है आपकी जो फैमिली है उसमें, कौन कौन है? हमारी फैमिली में ये हमारी पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, और ये बिटिया सबसे बड़ी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी है जी, इसकी पिछले लॉकडाउन में शादी हुई थी, तब कोई डिमांड नहीं थी, शादी के 2 महीने बाद डिमांड चालू हो गई। देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या कितने दिन बाद डिमांड करिए पैसों की? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद डिमांड करिए, तो आपने कितने पैसे दे दिए अभी तक? जितने 10-5 हज़ार हो जाते दे देते हैं, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। वापस घर भेजेंगे, उस घर में कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं किया आपने FIR? अभी मोहल्ले वालों को बुलाया था, मोहल्ले वालों ने कही कि हम समझा देंगे, इसलिए नहीं करी है। तो आपको लगता है कि मतलब समझाने से वो मान जाएगा? नहीं मैंने तो, हम तो ये चाहते हैं कि मान जाए तो अच्छा है। देखिए फैमिली को लग रहा है कि वो लड़का मान जाएगा और इनसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने तक के लाले हैं, ये घर जिसमें रहते हैं ये, यहाँ पर लाइट तक का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब किराए का घर है यहाँ पर। और ये देखिए एक माँ अपनी बेटी की शादी करती है ये सोचकर कि वो हमेशा खुश रहेगी, और ये बच्चे पूरा घर परिवार जो खुद गरीब है, लेकिन लड़का बराबर मांग रहा है। थाने में रिपोर्ट कर दो, अभी जाके FIR थाने में कर दो, मैं बोल दूंगा। कैसे की थी आपने? मैंने इधर उधर से पैसा लेके मैंने कारखाने से काम कर करके मैंने चुकाया, मैंने तब ब्याह करा, मैंने मजदूरी कर करके 50-60 हज़ार रुपया लटे आलम खर्च हुआ। हाँ, तब करी थी शादी, ना भाई कर्ज में दे रहे, अभी तक दे रहे, अभी भरा नहीं, चुका नहीं कर्ज। शादी हुए आपने जो शादी में खर्चे उठाए थे उसका कर्ज अभी तक नहीं चुका, ब्याज पे पैसे ले ला मैंने, शादी करी अभी तक नहीं चुका। जब बीमार रहते मैं ही मजदूरी करते, तब कमालू मैं, अभी कमाते जब बीमार रहते मैंने, नहीं कमाते तब कमालू 12 बीघा मैंने। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं कारखाने में बेलन पे काम करते, डलियां डरते, घुंडों गरम।
डलिया में रखे, पाँच इधर से उधर करते हैं, कितने रुपए मिलते हैं आपको? ढाई तीन हजार रुपए मिल जाते हैं। घर का खर्चा चलता है? सही चलो, जोड़ जकोड़ कर शादी की, शादी करी हूँ। तो देख सकते हैं कितना मतलब परेशानी का मामला है, कितनी परेशान फैमिली है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए घर जिसमें लाइट भी नहीं है, वो भी इतने गर्मी के उसमें, जहाँ पर हमें भी गर्मी लग रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।